हेलो एवरीवन, ये है सरकारू वारी पाटा समरी पार्ट 3। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में महेश बाबू अपने अंकल से एक बोर्ड टंगवा देता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी प्रकार के लेनदार या फिर रिकवरी एजेंट का इस गेट के अंदर आना मना है। तो जिस रिकवरी एजेंट की महेश बाबू ने पिटाई की थी वो ढेर सारे अपने रिकवरी एजेंट या यूं कहें कि गुंडे ले आता है। वो रिकवरी एजेंट होते हैं लेकिन गुंडे भी होते हैं, उनको ले आता है। तो वो महेश बाबू को धमकी देते हैं, तो महेश बाबू उनमें से एक निकल के आता तो उसकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं और एक कांच का गिलास होता है चाय वाला उसको उसके मुँह के अंदर पेट में डाल देता है। महेश बाबू उन रिकवरी एजेंट को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है तो वो लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। उसके बाद अगला सीन नाइट का होता है जिसमें सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि सोसाइटी में आज पहली बार मारपीट हुई, एक ऐसा बोर्ड लगा कि रिकवरी एजेंट का आना मना है, ये क्या मतलब है। तो महेश बाबू उन्हें समझाते हैं कि बैंक वाले गरीब लोगों के साथ कैसे ज्यादती करते हैं, वो उनसे एक पैसे तक नहीं छोड़ते, कोई भी किस्त ड्यू तक नहीं छोड़ते, वरना उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ तक का लोन ले लेते हैं उनके पास नोटिस तक नहीं भेजते हैं, उनको ये तक नहीं बताते हैं कि आपको हमारा पैसा लौटाना भी है। और वो उन पैसों की रिकवरी भी हम लोगों से 100-500 रुपये बढ़ाकर हर साल बढ़ाकर जो है हमसे रिकवरी करते हैं। तो ये सारी बातें जो है सोसाइटी वालों को समझ में आ जाती है तो वो सब भी बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पर कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। ऐसे करते करते पूरे शहर में ये हंगामा हो जाता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट को या फिर कोई भी बैंक की किस्त नहीं चुकाएगा, चाहे उसकी कितनी की भी किस्त हो, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन बैंक को एक रुपया नहीं देगा किस्त के रूप में। ये बात धीरे धीरे उड़ते उड़ते विदेश मंत्री तक पहुँच जाती है। तो विदेश मंत्री जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है वाइजैक में। विदेश मंत्री जो होता है वो गुस्से में आकर राजेंद्र नाथ जी को फ़ोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे शहर में चल क्या रहा है, कोई भी आदमी बैंक में किस्त जमा नहीं कर रहा है, बैंक का सारा काम ठप पड़ा हुआ है और तुम्हारी वजह से इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, तो जल्दी से जल्दी जो है इसका सॉल्यूशन करो वरना मजबूरन हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो राजेंद्र नाथ जी बोलते हैं कि आप मुझे बस कल 11 बजे तक का टाइम दीजिए और सब कुछ मैं सही कर दूँगा। उसके बाद अगले सीन में राजेंद्र नाथ काफ़ी सारे घरों से एक एक लोगों को किडनैप करवा लेता है और उनसे बोलता है कि कल किसी भी हालत में जाकर सुबह 11 बजे अपनी किस्त या फिर बैंक से जो पैसा विड्रॉ किया है वो जमा कराना है, अगर नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद अगले सीन में राजेंद्र नाथ पुलिस के द्वारा महेश बाबू को सोसाइटी से उठा लेता है और उसको ऐसी सुनसान जगह पर ले जाता है उसका एनकाउंटर करवाने के लिए कि इसको जो है कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, जैसे कि मेरा जो है जो नाम दबदबा जो है वो कंटिन्यू रहे, ऐसे ही बना रहे, वरना इसकी वजह से मेरा नाम सारा ख़राब होता जा रहा है और जो कर्जा था 10,000 करोड़ का जो बैंक से मैंने लिया था वो भी मुझे जल्द से जल्द चुकाना पड़ेगा। उसके बाद अगले सीन में जो ये पुलिस वाला होता है वो महेश बाबू का एनकाउंटर करने के लिए आता है। अगले सीन में राजेंद्र नाथ के गुंडे जब सुबह बैंक पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि बैंक जो है वो सील है और उस पर कोई 1 रुपये के ठप्पे की सील लगी हुई है। तो वो राजेंद्र नाथ को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर तो सब जगह 1 रुपये की ठप्पे की सील लगी हुई है तो क्या किया जाए। तो राजेंद्र नाथ बोलता है कि किसी भी बैंक एक बैंक का ताला तोड़ो और उसके अंदर जाओ और किसी भी हालत में 11 बजे से पहले पैसे जमा होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो देख लो तुम लोगों की खैर नहीं। उसके बाद अगले सीन में जब राजेंद्र नाथ के गुंडे बैंक का ताला तोड़ते हैं तो ये वही बैंक है जहां महेश बाबू सबसे पहले जो है नोटिस के लिए गए थे, वहां पहले से अंदर मौजूद थे और सारे बैंक कर्मचारी और काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें अंदर से मौजूद थे। तो उसके गुंडे जो हैं महेश बाबू के अंकल को ज़बरदस्ती उठा के और उस पर पैसे जमा कराने के लिए फॉर्म भरवाते हैं या पर्ची भरवाते हैं। तो महेश बाबू कहते हैं कि अगर तुमने एक भी लोगों से फॉर्म भरवा लिए और पैसे जमा करवा लिए तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, लेकिन महेश बाबू उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई करते हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं करा पाते। और उसी टाइम राजेंद्र नाथ जी वहाँ पर आ जाते हैं, लोग इतने गुस्साए हुए होते हैं कि राजेंद्र नाथ जी को मारने की कोशिश करते हैं। इतने में महेश बाबू आ जाते हैं और उन्हें गाड़ी में बिठा के शहर से दूर ले जाते हैं।